एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ही स्टोरी इरफान में। तो भाइयों, जैसे कि फिरोज भाई, हाँ भाई, आप अंदर आ जाओ। आज मैं और मेरी पूरी टीम, संजीव भाई आ जाइए आप भी। तो भाइयों, आज मॉर्निंग में आने का विजन ये है कि आपने किसी ने भी, मतलब बहुत सारे लोगों ने बेताल वेब सीरीज देखी होगी, उसमें जिक्र है बेताल का। कोई ब्रिटिश कर्नल था, उनका लाइन डाउन करके उनका कोई नाम था। तो भाइयों, जो वेब सीरीज थी उसमें बहुत मिर्च मसाला था, बहुत ज़्यादा उसमें। तो आज मैं जो चीज़ बताने आया हूँ, ये जो बेताल की जो लोकेशन है, रियल लोकेशन है। तो फिरोज भाई, एक बार पूरी इसकी बता दो। हाँ भाई, ये जो मेजर का नहीं बोलते, वो ऑफिस, ये वो ऑफिस है, और जहाँ पे मेजर रहता था, मेजर की फैमिली रहती थी, उनके बच्चे बीवी बच्चे यहाँ पर रहते थे। ये 1857 की बात है कि 1857 में देखो भाइयों, इस टाइप के जो बने होते थे चैनल, ये जैसे कि आप क्या बोल सकते हो, उसको घर भी बोल सकते हैं। एक बार आप कैसे बता दो पूरा। तो भाइयों, ये 1857 से यहाँ पे बने हुए हैं, 1857 से यहाँ पे बने हुए, आज भी ये यहाँ पे एक रहस्य काल है। मतलब कि क्या बोलते हैं, वो अपने रहस्य में ये बन गए मकान वगैरह सब। जैसे बहुत ही प्राचीन काल से बने हुए, जो भी ब्रिटिश का जो भी वो था, उन्होंने इनका निर्माण किया था। और ये आज भी, मतलब के क्या बोलूँ उनको, बहुत ही प्राचीन काल से ये यहीं पे, यहाँ पे खंडहर बने हुए। और जो भी अपने कोई आवाज़ है, हाँ भाई, तो भाइयों कुछ लग रहा है। ये वॉशरूम है गाइस, वो लोग यूज करते थे जो अंग्रेजों के टाइम पे बना करते थे ऐसे। ये अंग्रेजों के टाइम पे जो बना करते थे, ब्रिटिश सरकार के टाइम, जब हमारे भारत पे उनकी हुकूमत चला करती थी, और उन्होंने बहुत हुकूमत की अपने भारत देश पे। और ये इनका रहने का घर था, जैसे बहुत ही सुंदर हुआ करते थे ये। आज जो ब्रिटिश के जो कमांडर थे, मेजर थे, वो यहाँ पर रहा करते थे। और जो बेताल सीरीज, बेताल जो सीरीज बनी थी, वो यहाँ पे वैसे आपको कुछ दिखा नहीं भाई, पूरा सुनसान पढ़ाई थी। तो भाई, जो बेताल सीरीज बनी थी, वो इसी होटल लोकेशन पे निर्धारित बेताल सीरीज है। तो भाई, ये यहाँ की शूटिंग हुई थी। और जो भी टनल है, मैं आपको टनल भी बताऊंगा कि वो टनल कहाँ पे बना हुआ है। और पिक्चर में तो ज़्यादा मिर्च मसाला था, वो तो आपने देखा ही होगा। बाकी जो रियल हॉन्टेड है, वो ही है हॉन्टेड। ये देखिए, उनके दरवाजे देखिए। एकदम मैं आपको आगे से पूरी लोकेशन बताता हूँ। पूरा आ रहा है कैमरे में। ये देखो, ये यहाँ पे, मतलब के जो भी उनके जो भी राजनेता वगैरह हुआ करते थे उस टाइम, जब काफी सन पुरानी बात है, वो 1857 की जो बात है,
उस टाइम की जो ये मकान बने हुए हैं इनके जो ये देखिए घर भी देखिए ये देखिए आज इनकी हालत देखो। ये ब्रिटिश सरकार समय तक का ये यहाँ का ऑफिस है, यहाँ पे उनकी फाइलें वगैरह रखी जाती थी। ये जो भी इनकी मतलब जो भी स्टाफ का जो भी इनका काम होता था यहाँ से शुरू होता था, यहाँ पे उनकी फाइलें रखी लाइब्रेरी है। हाँ ये उस टाइम की लाइब्रेरी थी पर ये आज भी है। मतलब देखो ये देखो क्या लिखा हुआ LD6 क्या लिखा हुआ है कुछ है गबड़ा समझ में नहीं आ गया। इस टाइम पहले टाइम ये फाइलों के नंबर है कि बहुत सारे नंबर है। तो बात ये दरवाजा है खोलो होगा टाइम का। ओ भाई जानते चलना भाई नो एंट्री नो एंट्री नो नो एंट्री नो एंट्री लिखा हुआ है। डरावना हो गया देखो दस्तावेज यहाँ पे देखो ये इनके जो दस्तावेज पड़े यहाँ पे आज भी। लाइट करो गाइस लाइट लाइट करो लाइट करो जल्दी उसमें कुछ नहीं था। यहाँ पर बहुत सारी चीजें पड़ी पीछे भी संजीव भाई इधर आ जाओ जो पुराने समय की जो किताबें हैं जी भाई पूरा इंग्लिश में क्योंकि उस टाइम भाइयों हिंदी चलती नहीं थी और उस टाइम सिर्फ इंग्लिश वर्ड का यूज मतलब ज्यादातर होता था अक्सर क्योंकि अंग्रेजों को हिंदी इतनी आती नहीं थी। ब्रिटिश सरकार थी ब्रिटिश सरकार ओनली फॉर इंग्लिश नॉट इंग्लिश। ओह देखो भंडारा भरा हुआ है। ये जो भी ब्रिटिश सरकार ने जो हुकूमत की है जो भी दस्तावेज पड़े आज भी इधर ही पड़े हैं आज भी इधर ही मौजूद है। आप इधर आओ तो ये भाइयों ये जो इनके तेल के कैन थे जो ये इसमें गोला बारूद थे जो भी लाते थे इन पहले इनका इस्तेमाल किया जाता था। संजीव भाई एक बार बताओ तो संजीव भाई एक बार बताओ तो इन कैनों में कुछ भरा हुआ है लगता है इन कैनों का पहले यूज बारूद बनाने के लिए किया जाता था जो भी ये बनाते थे। और भाइयों मैं आपको बता दूं कि बहुत ही हॉन्टेड लोकेशन है जिस जहाँ पर बेताल सीरीज बनी वो बहुत ही हॉन्टेड लोकेशन है। आप कभी भी ये मुझे कुछ नोटिस बोर्ड की तरह लग रहा है फिरोज भाई यहाँ पे कुछ नोट्स लगाते थे वो कुछ प्लानिंग करते हो हाँ यहाँ पे बोर्ड बनाया इन्होंने मतलब उस टाइम तो बोर्ड हुआ नहीं करते थे तो ये बोर्ड बनते थे दीवारों पर जो मतलब माटी से चूने से बनाया करते थे वो। तो भाइयों अब चलते हैं हम उस टनल के पास में जहाँ से वो रोड खोद के बना रहे थे बाकी उनसे वो रोड बना नहीं था यहाँ पर क्योंकि सुरंग कर्नल कर्नल के टाइम की सुरंग। आज भी मैंने सुनने में आया है कि उस कर्नल की आत्मा उस सुरंग में भटकती है और आवाजें भी लोगों ने कई बार सुनी है वहाँ पे बहुत सारी आवाजें आती है मतलब कि मेजर की आवाज बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे सुनी है उस कर्नल की आवाज जो भी है 1857 से वो आवाजें मतलब लोग सुनते आ रहे हैं।
तो भाइयों 1857 की जो बात है, आपका भाई वो सुरंग बताया गया, ही स्टोरी इरफानी वो सुरंग बता सकता है, बाकी कोई बता सकता है भाइयों? नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। और मैंने जब तक देखा यहाँ पे जो अपने भारत का जो नक्शा है, ये देखिए, ये कई सालों से मतलब यहाँ पे, अब मुझको और जो अपने भारत का नक्शा, दिल से मैं यहाँ पे सलाम करके रख देता हूँ वापस। तो आपका भाई अब जाएगा उस सुरंग पे, जा रहा है उस सुरंग की ओर। साथियों तैयार हो? तैयार है। चलो जय हिंद जय भारत। आ जाइए भाइयों। बाहर का पोजीशन बता दो सुरेश भाई, ये पानी बताओ वहाँ पे, देखो वहाँ पे उस टनल का घर था, वहाँ पे एक और वहाँ पे वो मतलब टनल रहा करता था। ये जो अंग्रेजों के टाइम का नक्शा जो बना हुआ है, ब्रिटिश सरकार के टाइम का जो नक्शा बना हुआ है, तो भाइयों मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर, पूरी पूरी जगह पे कैमरा घुमा दो। ये जो उन्होंने नक्शा बनाया था, तो भाइयों यहाँ पे वो टनल बना है, यहाँ पे वो टनल बना है इस जगह पे। अपन अब जो यहाँ पे जाने वाले हैं फिरोज भाई, वो यहाँ पे जो टनल बना हुआ है, यहाँ पे पत्थरों वाली गुफा है। और ये देखो, ये जैसे कि उन्होंने कुछ बनाया था यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम भाई एक तो नहीं चलते थे फोन वगैरह, तो वो मतलब गुफाएं वगैरह बनाते। एक है गुफा इधर इस टनल के पास में, सूरज भाई एक इस टनल के पास में गुफा है, तो आज इस गुफा में हम जाएंगे। तो मेरी टीम ने अभी कुछ देखा है यहाँ पे, कोई लक्का देखा है, ये लक्का ये रेलवे देखा है, पानी की रोड है, हाईवे वगैरह काफी पुराना नक्शा बना हुआ है, अब टूट चुका है काफी ज्यादा, यहाँ पे खंडित हो गया है। और ये देखो, ये यहाँ पे देखो कुछ बनाया हुआ है उन्होंने, जैसे कोई नदी नहर बनाई है, नहर का नक्शा है ये देखो, ये पानी यहाँ से ट्रांसफर होता है, यहाँ से ट्रांसफर होता है। ये देखो जैसे ये उन्होंने बनाया, कोई यहाँ पे जैसे यहाँ पे पानी पड़ा है, ठीक है, ब्लू कलर डाला था, पानी पड़ा था, और ये यहाँ पे कुछ पाल बनाई हुई है। और ये अच्छा मतलब कि पूरा मतलब ब्रिटिश सरकार ने बहुत ही घोट के बनाया है इसको। और ये यहाँ पे देखो, ये मकान है, ये सब मकान बने हुए हैं, है ना, ये मकान है फिरोज भाई, देखो इधर ये भी कुछ मकान बनाए हुए हैं उन्होंने, लगता है वो जिस मकान पे गए थे अपन, वो ब्रिटिश सरकार के यही मकान है, यही ऑफिस वगैरह सब, यही वो ऑफिस है। तो मतलब ब्रिटिश सरकार ने बहुत ही घोट कर बनाया है नक्शे को, बहुत ही विस्तार रूप से बनाया है। तो चलते हैं फिर उस टनल पे, ठीक है भाई, चलिए। तो भाइयों जैसा कि मैंने बताया था आपको, तो आ गया है वो टनल। एक बार फिरोज भाई कैमरा घुमा कर ये रोड बता दो, जो ये रोड बनाना चाहते थे, जो ब्रिटिश सरकार थी वो ये रोड बनाने के लिए या फिर जो विभाजन किया था उन्होंने, और जो वो सामने दिख रहा है वो टनल है। तो भाइयों हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, यहाँ पे ना तो कोई बच्चा है ना बच्चे की जात है। फिरोज भाई एक बार पूरी लोकेशन पे आप कैमरा घुमा दे, यहाँ पे कुछ भी देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, ओनली फॉर यहाँ पे सिर्फ जंगल है। साधन हुआ करते हमारे पास में ना तो कोई साधन है ना कोई सामग्री है, तो भी हम आपके लिए सिर्फ अपने जो भी व्यू है और जो व्यूअर्स है उनके लिए और पब्लिक डिमांड पे मैंने जो किया है। तो फिरोज भाई उधर से जाना पड़ेगा, इधर बहुत बड़ा गड्ढा है, अगर टीम को नुकसान भी हो सकता है। भाइयों वीडियो को लास्ट तक देखे, क्योंकि कुछ भी मूवमेंट हो सकता है वीडियो में। वो क्या खड़ा है,
बहुत ही हॉरर मौका था। अगर कोई भी गिर जाता है हमारे टीम के अंदर सीधा नीचे जाएगा वो। तो भाई ये वो टनल है जो बन रहा था, इसको बनाने की कोशिश की थी ताकि ये बन नहीं सका। तो मैं चाहूँगा भाइयों कि आप वीडियो लास्ट तक देखें, यहाँ पर अगर कुछ भी हमें ऐसा कुछ मिलता है कुछ भी सुराग तो हम आप तक वो मतलब चीज पहुँचाने की कोशिश करें। फिर भी आप कुछ भूल रहे देख रहा हूँ भाइयों, तो कुछ भी सुराग मिल सकता है आप ढूंढो। इस पार को देखो तोड़ने की कोशिश भी की गई है बाकी ये पार टूटा नहीं है। इस पार को भाइयों तोड़ने की कोशिश की है बाकी ये पार किसी से भी नहीं टूटा। बाकी लोकेशन बहुत हॉन्टेड है भाइयों। क्या भाई क्या मैं यहाँ पे हूँ भाई, क्या लेके आ रहे हो भाई? ये क्या कुछ भाई क्या लेके आ रहे हो यार? आप जिधर बैठो उस खाई का बताना। तो अरे संजीव भाई क्या खोल रहे हो तुम? ध्यान रखना यार तू जगह। अरे संजीव भाई क्या कर रहे हो तुम? अरे यार इसको अरे मत खोलो यार। अरे कुछ भी हो सकता है यार, सोना वगैरह। अरे तू सोने के चक्कर में मत को ये। अरे मत खोल। अरे संजीव यार मत खोल। अरे एक बार खोल के तो देखता हूं। अरे नहीं यार संजीव भाई रहने दो। अरे संजीव भाई संजीव रहने दे। अरे संजीव संजीव क्या कर रहे हो तुमने? संजीव कुछ भी नहीं है यार। यार क्या कर दिया इसने पागल ने? अरे कुछ भी नहीं है यार इसके अंदर। तो यार इसको खोला क्यों यार? अरे इसके अंदर राख थी यार। कोई बुरी आत्मा की राख भी हो सकती है। आत्मा की कोई राख थी यार, अस्थिया थी कोई। अरे यार तू रख दे यार संजू। यार तू क्यों करता है यार ऐसा काम? संजू भाई लफड़ा कराएंगे यार। अरे वो संजू भाई क्या होता? अरे संजू भाई क्या होता? संजू भाई संजू भाई क्या हुआ? पागल को बोला था मत खोल कोई भी चीज के पर ये मानता नहीं है। मैं पानी की बोतल लेके नहीं है। पानी की बोतल? पानी की बोतल नहीं होगी यार। 100 रुपए वो ऊपर पड़ी होगी यार। और पानी की बोतल है किधर? किरफन में किधर? क्या हुआ संजू? संजू क्या बोला था यार? हाथ मत लगाओ यार। इस रात को मैं हाथ नहीं दूंगा। फिर भी पानी की बोतल तो नहीं यार। संजू भाई क्या हो रहा है यार? भाई संजू संजू भाई अरे यार इसको निकालेंगे कैसे यार? अगर ये कहीं गिर गया है ना खाई बहुत गहरी भाई। कौन है पत्थर आ रहे यार? अरे यार क्लच खोलने से गड़बड़ हो गई यार। अरे यार इस क्लच को हाथ नहीं देना था ये, पर मानते नहीं मेरी बात। क्लच के हाथ देने से गड़बड़ हो गई यार। नहीं हो तो पंपिंग कर संजू। क्या हुआ यार? सौरभ भाई तो इसे एक बार कैसे भी करके बाहर निकालो। बाहर निकालो बाहर निकालो। चुप रहो चुप चुप रहो सब चुप। शांति शांति शांति। चुप रहो संजू भाई को उठाओ जल्दी भाई। यहाँ चलते हैं यहाँ से। किसकी आवाज आ रही है? चुप रहो जल्दी। अरे संजू भाई को उठाओ ना यार, चलते हैं यहाँ से। अरे रुको फिरोज भाई यार किसकी आवाज आ रही है? मुझे ऐसे लग रहा है क्या कोई आवाज आ रही है? सरुख भाई ध्यान से यार। अरे यार कौन है? कौन है यार? आप आ गया गलती कर दी यार अपन ने। कौन आप इधर? संजू भाई को हो सारा। संजू भाई को हो सारा।
उठा 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 जल्दी उनको संजू भाई यार तूने अब यार क्या करे यार सुरेश भाई निकलो यार भाई यहाँ से निकलो सुरेश भाई आप ऐसे करो इससे निकले तो सीधे नीचे जाएंगे और कोई नहीं भाई ऊपर से पत्थर गिर रहे थे भाई किसकी आवाज आ रही थी ढूंढो जल्दी सुरेश भाई इधर आओ पीछे पीछे की साइड चलो भाई पीछे की साइड कौन था वो आदमी पीछे की साइड चलो भाई बहुत अंदर से गुफा है ये तो बहुत बड़ी है लंबी है अंदर जाने के लिए इतनी सारे पत्थर की बारिश यार पत्थर की पूरी बारिश हो रही है अपने ऊपर आवाज कैसी आ रही है डरो यार डर लग रहा है कौन फेंक रहा है ये सब हाँ हाँ जाओ जाओ इस बार पीछे चलो ऊपर चलो ऊपर चलो पत्थर कौन फेंक रहे कोई बजाव तो नहीं करा हमारे साथ चलो आवाज तो आ रही है डरावने जैसी अरे यार सुरेश भाई इधर कोई भी नहीं है आप ऊपर आओ सुरेश भाई का हाथ पीछे पीछे हाथ आ रहा है भाई कैमरा पकड़ दो संजू हाथ सुरेश भाई ऊपर तो कोई नहीं है भाई यार शायद इधर तो कोई भी नहीं है कोई नहीं भाई इधर से पत्थर की आवाज आ रही थी इतने पत्थर आ रहे थे यार पत्थर कहाँ से आ रहे थे कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे और संजू भाई ने जो गलती की है वो इनको गलती नहीं करनी थी भरोसा रखो आ जाओ संजू
तू आगे मत जा, आराम से यार। ओ गाइस वापस वापस भाई छुरी है, हम जैसे नीचे आया ज्यादा हो गया वापस। देखो ये वापस में, चलो भाई यहां पे एक्टिविटी बहुत ज्यादा। ओ जा रही, ओ फायदा ना, निकलो यार गली, निकलो। चलो भाई, चलो 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 तो भाइयों आवाज आ रही ना, बहुत ज्यादा आ रही आवाज यार। चलो यार भाई, चलो यार। तो भाइयों मुझे यहाँ पे ज्यादा एक्टिविटी लग रही है, तो आपका भाई अब आपसे विदा लेता है जल्दी, क्योंकि जो हमारे साथ में हो रहा है मैं नहीं चाहता कि और किसी हमारे टीम के साथ में कुछ भी बुरा हो। तो आपका भाई आप चलिए, जय हिंद जय भारत। और भाइयों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, सेकंड पार्ट आपके डिमांड पे बनेगा भाइयों, जल्दी आ जाओ।